आज के जबरदस्त क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। करीब पौने 500 अंकों की बढ़त है। कल पूरी तरह से जितने टूटे थे आज उतने ही ऊपर आ गए हैं। क्लोजिंग का पूरा रिकैप आपके सामने प्रियंका लेके आ रही है। प्रियंका शुक्रिया आदित्य भी। बिल्कुल देखिए आदित्य, कब बड़े गैप के साथ हम खुले और उसके बाद हमने उस गैप को सस्टेन भी किया। 16,300 के पार आप यहाँ क्लोज होते हुए देख रहे हैं। तो मार्केट में राउंड अबाउट आपको 400 पॉइंट्स के ज्यादा का आपको बढ़त देखने को मिली है। और इसमें जो लीडर्स मेजरली जो आपको जिन्होंने ड्राइव किया है वो स्पेसेस लाइक कमोडिटीज, मेटल, PSU बैंक, रियलिटी स्पेस है, जिन्होंने अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट किया। रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे लगभग 110 पॉइंट्स के आसपास, तो सिर्फ रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है निफ्टी के इस गेन की अगर आप यहाँ पर बात करें तो। फिलहाल अगर आप काउंटर्स की बात करें तो सबसे जो लीडिंग काउंटर था निफ्टी पर वो था डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए, अच्छी कमेंट्री, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, US बिजनेस से और मोमेंटम की बात की और उसके बाद हमने पूरे फार्मा स्पेस पे एक बज देखी। काउंटर्स लाइक सन फार्मा, ओरो, सिप्ला, स्टार, स्ट्राइड्स, आर्कुलाब, इन सभी स्पेसेस में आपको आज तेजी देखने को मिली। तो आज फार्मा स्पेस जाहिर तौर पर हालांकि वेटेज के हिसाब से बड़ा नहीं है, लेकिन जस्ट टू हाईलाइट कि गेनर, बिगेस्ट गेनर ऑन निफ्टी एज वेल एज ऑन FNO वॉज डॉक्टर रेड्डीज फॉर श्योर। और उसी तरह से FNO में बड़ा गेनर भी इसी स्पेस से निकल कर आया, वो ग्रैन्यूल्स निकल कर आया। दूसरा स्पेस जिसे आज बिल्कुल बात करनी होगी वो है मेटल्स और कमोडिटीज। जिस तरह के हमने पीछे इसमें कल और परसों में हमने जिस तरह के शॉर्ट्स देखे बनते हुए, दबाव देखा इस स्पेस को, वहां तेजी से शॉर्ट्स आज कवर होते हुए दिखाई दिए आपको। JSW स्टील, टाटा स्टील, इन सब में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को, वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहे आपके निफ्टी काउंटर्स में भी। इसके अलावा आपको FMCG पैक से नेस्ले, ब्रिटानिया, इन सभी में आज आप फिर से आपने तेजी देखी। और उसके अलावा ऑटो पैक में आपको टाटा मोटर्स, तो यानी पहले 5 काउंटर्स अगर आप गेनर्स की बात करें तो उसमें आपको टाटा मोटर्स भी जरूर दिखाई देगा। अगर FNO के स्पेस की बात करें तो वहां पर भी आपको रिजल्ट इंपैक्टेड स्टॉक्स बहुत सारे दिखे। ग्रैन्यूल्स फार्मा स्पेस एक अच्छा कमेंट्री के बाद रब ऑफ इफेक्ट पूरे फार्मा स्पेस पे दिखाई दिया। ग्रैन्यूल्स आपको दिखाई दिया, डॉक्टर रेड्डी दिखाया टॉप गेनर्स आपको, साथ ही रिजल्ट जहां पर अब आने हैं BHEL के रिजल्ट आने हैं और उससे पहले आपने यहां पर तेजी देखी जो एक नेक्स्ट काउंटर था FNO स्पेस से भी। अशोक लेलैंड के नंबर्स अच्छे आए और अशोक लेलैंड में भी उनकी कमेंट्री क्लियरली थी कि ट्रैक्टर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में वहाँ मोमेंटम है। जिस तरह का एक स्लो डाउन था, चिप की शॉर्टेज थी, कमोडिटी प्राइसेस बीच में सॉफ्टवेयर, वो सारे बड़े ट्रिगर्स रहे कि हमने देखा अशोक लेलैंड में तेजी रही। पूरे ऑटो पैक, ऑटो एंसिलरी, उसमें भी आपको गेंस आज देखने को मिले। फाइनेंस काउंटर्स आप देखें, सारे बैंक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट बैंक्स लाइक इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, SBI बैंक हो, तो प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, इनमें आपको अंकों के लिहाज से कंट्रीब्यूशन अच्छा दिखा। HDFC बैंक ने भी बाजार को सपोर्ट जरूर दिया, लेकिन आज का जो लीडर रहा उस रिलायंस रहा, मेटल्स रहे और जाहिर तौर पर वो स्टॉक्स रहे जहाँ रिजल्ट का अच्छा एक इम्पैक्ट देखने को मिला। कुछ ऑर्डर विंस के चलते हमने दूसरे काउंटर्स भी देखे, जैसे वेल्सपन कॉर्प से काउंटर्स, कहीं पर मैनेजमेंट चेंज की वजह से आपको इक्विटास जैसे काउंटर्स जहाँ बड़ा डेंट भी देखने को मिला। तो ये कुछ की हाईलाइट्स रहे इस पूरे हफ्ते में। लेकिन अब 16,300 के नीचे आप बंद हो रहे हैं, 16,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस था जिससे बाजार ने जरूर आज पार कर लिया है। और रिलायंस जिस तेजी के साथ यहाँ बंद हो रहा है तो यहाँ से बुलिश सिग्नल्स कमिंग वीक में मंडे के लिए भी जरूर दिखाई देते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मार्केट्स टुडे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज ट्रेडिंग पिक्स दी, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कॉल्स शेयर की। इसी के साथ मुझे, डिम्पी और अजय को दीजिए इजाजत। आप सोमवार को फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।